उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी के खिलाफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और नेताओं के मुखर होने का असर दिखने लगा है। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर शासन ने काम तेज कर दिया है। पिछले करीब 3 महीने के अंतराल में यूपी के अलग अलग हिस्सों से रिश्वतखोरी के आरोप में 33 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार पर सरकार की मुहिम को धार देते हुए विजिलेंस के डीजी राजीव कृष्णा ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी पुलिसकर्मी काम के बदले में रिश्वत मांगता है तो बेधड़क होकर मोबाइल नंबर 9454401866 पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। इस चिंता से मुक्त होकर के शिकायत करने के बाद आपका काम नहीं होगा। हम भरोसा दिलाते हैं कि भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले किसी भी व्यक्ति का एक भी जायज काम नहीं रुकेगा, बल्कि नियमानुसार उस काम को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा। डीजी विजिलेंस राजीव कृष्णा ने बताया कि पिछले 93 दिनों में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में बड़ी सफलता मिली है और अब तक करीब 33 लोगों को करप्शन के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति को विजिलेंस ने फिर से स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी करप्ट मुलाजिम को बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ शासन की इस मुहिम को मजबूती देने के लिए निश्चिंत होकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। बिना रिश्वत के आपका काम होगा और करप्ट अधिकारी या कर्मचारी को उसकी सजा मिलेगी। सनद रहे कि सत्तारूढ़ पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता खुलकर रिश्वतखोरी पर आक्रोश दर्ज करा चुके हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद करप्शन को लेकर तमाम शिकायतें उठी थीं। आमजन भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के कामकाज के रवैये से परेशान होकर छिटकने लगा था। यही कारण है कि चुनाव के बाद अब यूपी में करप्शन के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहे हैं। यूपी के जिला बरेली में सीओ से लेकर इंस्पेक्टर, दरोगा और पर्यावरण विभाग में तैनात स्टाफ तक रिश्वतखोरी के आरोप में कार्रवाई का सामना कर चुका है। यूपी में लेखपाल से लेकर राजस्व विभाग के दूसरे कर्मचारियों को एंटी करप्शन की टीमें दौड़ा दौड़ा कर पकड़ रही हैं और वे रगे हाथ रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं। बरेली के फरीदपुर थाने में जहां एसपी ने रेड मारकर इंस्पेक्टर के कमरे से करीब 7.5 लाख रुपए की रिश्वत बरामद की थी, इसके अलावा 2.5 लाख रुपए और बरामद किए थे। एसपी ने इंस्पेक्टर के कमरे से कुल 10 लाख रुपए बरामद किए थे। बताया जा रहा है कि ये सारी धनराशि रिश्वत के जरिए जुटाई गई थी।